डेटाबेस डिजाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टेबल्स को नॉर्मलाइज फॉर्म में लाइए। नॉर्मलाइज फॉर्म में क्यों लाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कुछ, और तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम उत्तर देते हैं एग्जाम में। शुरुआत करते हैं अपने 1NF, 2NF, 3NF के डिस्कशन पे। इनमें से पहले थोड़ी डेफिनेशंस देखेंगे। डेफिनेशंस में सबसे पहले आता है मल्टी वैल्यू लूप्स और रिपीटिंग लूप्स। देखिए ये बहुत सारा की नॉन की मैं नहीं समझा रहा हूँ। देख ये आपका एक टेबल है, ये आपका एक टेबल मान लीजिए, और मैंने जब टेबल बनाया तो उसमें मेरे पास ये रोज आया और ये कॉलम था। मोटे मोटे तौर पर समझिएगा कि जो जिसके नीचे जिस भी वर्ड के नीचे लाइन लगी हो, लाइन अगर हो तो इसका मतलब वो प्राइमरी की है पहली चीज, और जिस कॉलम में जो कॉलम में लाइन ना हो वो आपका ये प्राइमरी की हो गया, ये नॉन प्राइमरी की हो गया या नॉन की। अब मान लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया ए, ये ए, और यहाँ पर भी लिख दिया ए, और ये वन वन, ऊपर भी वन, नीचे भी वन, जीरो जीरो, अब ये क्या लिखा हो अभी इस पर ध्यान रख दीजिएगा। और ये ऐसा देखिए दोनों रोज तो सेम हो गई ना। अभी अगर रोज सेम हो गई इसका मतलब आपका डेटाबेस किसी भी फॉर्म में, तो यही पे जो डेफिनेशन में देने जा रहा हूँ उसका मतलब यही है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स और रिपीटिंग ग्रुप्स, जो रिपीटिंग ग्रुप्स है, जो रिपीटिंग ग्रुप्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स एग्जाम्पल सकता था। इसमें देखिए आपका स्टूडेंट आई डी जो है, चार हमारे पास कॉलम्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। स्टूडेंट आई डी ये प्राइमरी की है, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसका नाम हो सकता है, उसकी कोर्स आई डी हो सकती है, उसकी यूनिट्स हो सकता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आई डी का में ये जो प्राइमरी की है स्टूडेंट आई डी के नीचे है, बाकी जितने भी हैं आपके नॉन की है, तो इसमें यह कहा गया है कि नॉन के एट्रीब्यूट और ग्रुप्स ऑफ नॉन के एट्रीब्यूट, यानी कि नेम, कोर्स आई डी और यूनिट की बात हो, द वैल्यूज ऑफ विच आर नॉट यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की और इट्स पार्ट। ये समझ में नहीं आया तो मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा आपको कि स्टूडेंट आई डी नाम को पता कर रहा है, और स्टूडेंट आई डी न कोर्स आई डी को पता कर पा रहा है, ना स्टूडेंट आई डी यूनिट्स को पता कर पा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं, यानी कि नाम जो नेम है वो तो फंक्शनली डिपेंडेंट है स्टूडेंट आई डी से, लेकिन ना कोर्स आई डी की एरो कहीं दिख रही है, ना आपको स्टूडेंट आई डी से यूनिट की कोई एरो दिख रही है। तो यूनिट जो है वो है तो कोर्स आई डी पर डिपेंडेंट, लेकिन ये यूनिट स्टूडेंट आई डी पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसको हमने कहा कि ये इसकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मेन मतलब ये होता है कि वो कॉलम जो बाकी सारे कॉलम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्यों देखिए, ये दोनों लाइन देखिए आप, 101 स्टूडेंट आई डी 101 और दूसरी भी स्टूडेंट आई डी 101, ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा कोर्स आई डी में डिफरेंस है, लेकिन बाकी देखिए तीनों चीज़ें सेम है। तो एक इसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं, ये ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मल्टी वैल्यूड, ये रिपीट हो रहे हैं इसीलिए मल्टी वैल्यूड कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ये इस तरीके से है तो ये 1NF की प्रॉब्लम है, आप इसको दूर करेंगे आप सकते हो। लेकिन पहले डेफिनेशन देते हैं पार्शियल डिपेंडेंस वाले, पार्शियल डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन एन नॉन की एट्रीब्यूट, अब इस टेबल में कस्टमर आई डी और ऑर्डर आई डी के नीचे लाइन बनी हुई, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके प्राइमरी की, और नॉन के एट्रीब्यूट क्या है बेचारा, ये बचा इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं है, तो नेम ये आपका बेचारा एक नॉन के एट्रीब्यूट है जो इन पर डिपेंडेंट है बेचारा, इसलिए क्योंकि ये ऑर्डर आई डी और कस्टमर आई डी के दया पर निर्भर है कि वो उसे आइडेंटिफाई करें, डिटरमाइन बाय द पार्ट बट नॉट द होल ऑफ कंपोज प्राइमरी। कस्टमर आई डी नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ऑर्डर आई डी नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कस्टमर आई डी और ऑर्डर आई डी को दोनों को जोड़ दें तो ये नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसे हम पार्शियल डिपेंडेंस। अगर कस्टमर आईडी और नेम कस्टमर जो नाम है ये केवल एक की दया पर निर्भर नहीं होता, सीधा स्ट्रांगली बोलता कि देखिए मैं कस्टमर आईडी से आइडेंटिफाई हो जाता हूँ, तो सिंपल डिपेंडेंसी होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके जब इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ये 2NF की प्रॉब्लम, पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों, ये पार्शियल। ऑर्डर आईडी का क्या होगा, ऑर्डर आईडी को कहाँ से लाएंगे आप, ऑर्डर आईडी को कौन डिफाइन करेगा, कस्टमर आई डी भी तो ऑर्डर आई डी को डिफाइन करना चाहिए, ये नाम ही केवल है जो इन दोनों को कंबाइन करके कर पा रहा है, और जो नाम है वो ये ऑर्डर आई डी खुद ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कस्टमर आई डी से, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर मैंने प्राइमरी किया है इसलिए मैंने इसकी बात नहीं की, क्योंकि ये खुद भी एक प्राइमरी की। तीसरे कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंस, ये इसका मतलब ये था कि मैं आपका दोस्त, आप तीसरे का दोस्त और मैं तीसरे का दोस्त, इसका मतलब ये होता है, समझिएगा।
इसमें आपको अंडरलाइन कौन से दिख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के, यही हमारी प्राइमरी की है, बाकी जो एफ नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ये सारे के सारे आपके नॉन की एटीट्यूड है, यानी कि केवल एम्प्लॉय आईडी सबका बादशाह है, वो सबको आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना जो अभी तक बनाई है, इसका मतलब ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। फंक्शनली डिपेंडेंट का मतलब अगर मैं बड़े आसानी से समझाऊँ, फंक्शनली डिपेंडेंट का मतलब होता है कि मैं आपकी दया में निर्भर हूँ, मैं आपसे आइडेंटिफाई होना चाहता हूँ। यानी फर्स्ट नेम बोलेगा कि मैरी जो है वो 111 बोलेंगे मैरी आ जाएगी, जोन्स लास्ट नेम किसका है जोन्स, इसको छोड़ दीजिए, मैरी को छोड़ दीजिए, केवल लास्ट नेम जोन्स बताएंगे तो अपने आप एम्प्लॉय आई डी से वो आइडेंटिफाई करते हैं। एम्प्लॉय आई डी किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ पर है, ये तो है ही, है ना, ये तो दिख नहीं रहे आपको। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि डिपार्टमेंट नेम का क्या होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय आई डी से अंडरस्टैंड हो नहीं सकता, पता चला नहीं सकता डिपार्टमेंट नेम का क्या मतलब। अब कौन है इसका इसका ये किसकी दया पर निर्भर है, ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आई डी की दया पर निर्भर है कि डिपार्टमेंट आई डी के नाम पे ही डिपार्टमेंट नेम बनता है। तो डिपार्टमेंट नेम बोलेगा मुझे डिपार्टमेंट आई डी को नंबर, इस नंबर का मैं नेम, तो आप समझिए डिपार्टमेंट आई डी ही डिपार्टमेंट नेम को आइडेंटिफाई कर सकता है, एम्प्लॉय आई डी नहीं कर सकता। इसे हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, यानी एम्प्लॉय आई डी डिपार्टमेंट आई डी का दोस्त, डिपार्टमेंट आई डी डिपार्टमेंट नेम का दोस्त, तो एम्प्लॉय आई डी डिपार्टमेंट नेम का दोस्त, यानी एम्प्लॉय आई डी को पहले डिपार्टमेंट आई डी पर जाना पड़ रहा है, डिपार्टमेंट आई डी जो है वो डिपार्टमेंट नेम को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद एम्प्लॉय आई डी डिपार्टमेंट नेम तक कहीं पहुंच रहा है, हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंस कहते हैं। तो व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइंस अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, अब डिपार्टमेंट आई डी जो है ये तो एट्रीब्यूट, ये तो प्राइमरी की है ही, अगर एम्प्लॉय आई डी डिपार्टमेंट नेम को करता तो बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए, हम बोलते हैं कि नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन एम्प्लॉय आई डी ये डिपार्टमेंट आई डी के नीचे तो लाइन है नहीं, प्राइमरी की नहीं है, और फिर भी इसकी देखिए भाषा देखिए ये, बल्कि मैं कहूँगा जरूरत देखिए ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, नो विल नॉट, मैं तो हमें इसे बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम ये थर्ड है, आपको समझ में आ गया तीन चीजें, अब इनको देख के अब हम 1NF 2NF 3NF आते हैं, तीनों को मैंने बता दिया। अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आपको दिख रही है तो उसका मतलब ये एलिफेटिक ग्रुप दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे 1NF, इसको 1NF में आप ये दोनों को हटा देंगे, 2NF में आएंगे तो ये तो हटाएंगे साथ में पार्शियल डिपेंडेंसीज भी हटा देंगे, और 3NF में आएंगे तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, रिपीटिंग ग्रुप, पार्शियल डिपेंडेंसी तीनों हटा देंगे, साथ में आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी हटाएंगे। तो अगर 3NF में आपने आए तो आपका जो डेटाबेस है वो कंसिडर किया जाएगा कि अच्छा डेटाबेस उन्होंने डिजाइन किया है, और अननॉर्मलाइज तो खैर है, अननॉर्मलाइज मतलब कुछ भी नहीं है, सब सब कुछ हैपजर्ड है, क्या सब चीज रिपीट हो रही है, कोई किसी से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, कहीं भी चेंज करें तो कहीं इनकंसिस्टेंसी आ रही है, एक के नाम एक के एड्रेस बार बार 8-8, 10-10 जगह पे, या नॉर्मलाइज होता है। चलिए डिटरमाइन आपको नॉर्मल फॉर्म बताता है, मैं दो दिन हिसाब करूंगा, ISBN इज फंक्शनली डिपेंडेंट, और यू कैन से टाइटल इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ISBN, टाइटल ISBN पे डिपेंडेंट है, चलिए एरर बना देते हैं कोई बात नहीं, ISBN आराम से क्योंकि ये आपका प्राइमरी की है, ISBN अपने आप से टाइटल को आइडेंटिफाई कर सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले में आ जाइए, जो पब्लिशर है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ISBN पे, यानी कि पब्लिशर आराम से ISBN नंबर से आइडेंटिफाई हो सकता है, यूनिक आइडेंटिफाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस जो है वो पब्लिशर से आइडेंटिफाई हो सकता है, एड्रेस जो है वो पब्लिशर से आइडेंटिफाई हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख गया होगा कि अब एक छोटी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो इसमें एट्रीब्यूट है वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कैसे, ये कौन कौन से नॉन के एट्रीब्यूट है, टाइटल पब्लिशर और एड्रेस, टाइटल पब्लिशर को तो ये बोल ही रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर लेता है ISBN, एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई कर लेता है ISBN से पब्लिशर, पब्लिशर से एड्रेस, यानी कि डायरेक्टली टाइटल पब्लिशर को कर सकता है, अनडायरेक्टली एड्रेस को हो सकता है, इसका मतलब ये 1NF में तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 1NF में तो आ गया। लेकिन अब आइए नेक्स्ट, 1NF में तो है, और देर इज नो कंपोजिट प्राइमरी की, देयरफॉर देयर कांट बी पार्शियल डिपेंडेंसी, यहां पर देख लेंगे आप एटलीस्ट इन 1NF। आप देखिए नेक्स्ट वाले हम आते हैं, रिलेशनशिप एक तो 1NF में, देर इज नो कंपोजिट प्राइमरी की, देयरफॉर देयर कांट बी पार्शियल डिपेंडेंसीज, देयरफॉर रिलेशनशिप इज एटलीस्ट इन 2NF। अब ये बोल रहा है कि आपके पास कोई कंपोजिट की तो है, अगर ये पब्लिशर आपका इस तरीके से होता तो हम ये और ये मिला के एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अब देखिए हर पब्लिशर के लिए यूनिक एड्रेस होगा, हर पब्लिशर के लिए यूनिक एड्रेस होगा, ठीक यूनिक एड्रेस होगा ना, तो यहाँ पर कोई कंपोजिट की नहीं है, कोई कंपोजिट की बन नहीं पा रही है, इसका मतलब ये है कि
ISBN ही है जो पब्लिशर के पास जाएगा, पब्लिशर फिर एड्रेस के पास जाएगा, तो हम एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली, यानी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये आपका 2NF हो गया। चलिए, लेकिन ISBN पब्लिशर पे जा रहा है, पब्लिशर एड्रेस पे जा रहा है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है। तीसरे बात ये, पब्लिशर इज अ नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि पब्लिशर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि नॉन की है, जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है एड्रेस को, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये 3NF की प्रॉब्लम है। तो देर ये ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है ना, इसलिए ISBN पब्लिशर का दोस्त, पब्लिशर एड्रेस का दोस्त, तो ISBN एड्रेस का दोस्त, इसका मतलब ये 3NF, 1NF 2NF है, 3NF। तो पार्शल पार्शल हो गया, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगी इसमें, पार्शल डिपेंडेंसी भी नहीं होगी क्योंकि ये नॉन कैटेगरी है। और तीसरा 3NF तो आप लोग दिख रहे हैं ट्रांजिटिव से, 3NF में नहीं, उसको किस तरीके से लिखेंगे, इसका उत्तर उस तरीके से आएगा क्योंकि कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए एटलीस्ट 1NF में, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है इसलिए एटलीस्ट 2NF में, लेकिन क्योंकि पब्लिशर और पब्लिशर आइडेंटिफाई कर रहा है एड्रेस, पब्लिशर की तरफ एड्रेस पब्लिशर की तरफ देख रहा है अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, पब्लिशर तो अंडरलाइन है, ये तो प्राइमरी है की है, तो ये 3NF रिलेशनशिप इज इन 2NF। चलिए दूसरा, अब इसे देखिए, आपके पास जो ये एग्जाम्पल है इसमें ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों प्राइमरी की है, दोनों के बीच अंडरलाइन है ना, और कहा गया है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो आइडेंटिफाई फंक्शन डिपेंडेंट है प्रोडक्ट आईडी पे, यानी कि डिस्क्रिप्शन जो है ये इसकी प्रोडक्ट आईडी की दया पे देते हैं। तो ये तो है, बाकी चीजें कहां गई, ऑल एट्रीब्यूट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइंड, मतलब प्राइमरी की कौन सा है, या तो प्रोडक्ट आईडी डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई कर ले, या ऑर्डर नंबर डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आईडी कर ही रहा है यहाँ पर, दिया ही गया है तो 1NF को तो है ये, और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब दूसरे का आइए, देर इज एटलीस्ट, ये 1NF पे तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर आइए, ऑर्डर नंबर प्रोडक्ट आईडी अगर ये नहीं होता इसको हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट आईडी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट आईडी आपस में फंक्शन डिपेंडेंट, लेकिन जब ये ऑर्डर नंबर आ गया साथ में, तो ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी को कंबाइंड अगर करते हैं तो हमें इसे कंपोजिट की कहेंगे, और ये भी इसको आइडेंटिफाई कर रहा है क्योंकि डिस्क्रिप्शन को प्रोडक्ट आईडी पे है, प्रोडक्ट आईडी को ले जाए, ऑर्डर नंबर की तो आपने प्राइमरी की दे रखा है, तो ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी भी दोनों मिला के भी एक ही हो जाते हैं, अब ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसको डिस्क्रिप्शन को, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पार्शल डिपेंडेंसी, अगर मान लीजिए मैं इसको छुपा देता तो ये सीधा एक सिंगल डिपेंडेंसी होती जिसे हम प्राइमरी की भी डिपेंडेंसी कहते हैं, लेकिन अगर ये भी अवेलेबल है तो ये दोनों मिलकर इसको आइडेंटिफाई करेंगे जिसे हम पार्शल की कहते हैं, पार्शल डिपेंडेंसी कहते हैं, इसका मतलब ये 2NF बनेगी, और 2NF बनेगी तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के चक्कर में होती है, अगर आप इसको बताना चाहें तो ये 2NF में नहीं है, 1NF में लिखना चाहें लिखने के ऐसे कि कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है इसलिए ये 1NF में है, अब चूंकि डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट आईडी में डिपेंडेंट है और यहाँ पर एक ऑर्डर नंबर के कारण एक पार्शियल डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो रही है इसलिए ये 2NF में नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हम कहीं अपना नॉर्मल फॉर्म बताना है, बड़ा बहुत बढ़िया सवाल है, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पार्शियल आईडी पर डिपेंडेंट है, देख लीजिए, प्राइस पार्ट आईडी पर डिपेंडेंट है, ये भी देखिए फंक्शन डिपेंडेंट है, और नंबर जो है ये नंबर ये किस पर डिपेंडेंट है, पार्ट आईडी कॉम्पैक्ट इस पे और इस पे, ये कॉम्प आईडी और नंबर पार्ट आईडी पे डिपेंडेंट है, ओके, तो कॉम्प आईडी और ये एन नंबर, कॉम्प आईडी ए नंबर दे आर नॉट डिटरमाइंड बाय द प्राइमरी की, यहां पर आप देखिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि पार्ट आईडी और ये एरो ये इस तरीके से लिखा है कि पार्ट आईडी और यहाँ पर आप इस तरीके से फंक्शन डिपेंडेंट ऑन ये नंबर इज फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट आईडी एंड देन लाइकवाइज कॉम्प आईडी इज फंक्शन डिपेंडेंट ऑन पार्ट आईडी में है कहीं, तो ये दोनों को तो ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, ये देखिए ये नंबर जो है वो फंक्शन डिपेंडेंट है कॉम्प आईडी और पार्ट आईडी पे, नंबर है इस पे पार्ट आईडी पे, लेकिन इस कॉम्प आईडी का क्या होगा, सो कॉम्प आईडी एंड नंबर आर नॉट डिटरमाइंड बाय द प्राइमरी की, देयरफॉर द रिलेशनशिप इज प्राइमरी, तो ये तो आइडेंटिफाई हो ही नहीं पा रहा, और हर हर एक जो बंदा है यहाँ पे वो पार्ट आईडी पे फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए तभी ये 1NF है, तो इसका मतलब ये 1NF है।
क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन रही है, इसलिए रिलेशनशिप इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। अब देखिए हम इसको रिलेशनशिप को 1NF में कैसे करेंगे। आप देखिए आपके पास और एग्जांपल था 1NF में लाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट आईडी नेम 1NF में प्रॉब्लम क्या थी, मल्टी वैल्यूड भी थी, तो स्टूडेंट आईडी ये नेम स्टूडेंट आईडी पे फंक्शन डिपेंडेंट है, यूनिट स्कोर आईडी पे फंक्शन डिपेंडेंट है, तो बस ये इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। लेकिन अब ये कैसे करेंगे, कोर्स आईडी और यूनिट को अलग कर देंगे तो ये तो अलग थलग पड़ जाएगा, स्टूडेंट आईडी तो हमारा मेन है ना, तो इसको इस तरीके से तोड़िए, इसको इस तरीके से तोड़िए, कोर्स आईडी को आप बना दीजिए प्राइमरी की, और ये जो कंपोजिट की है इसको इस तरीके से लीजिए, रिमूव एंटायर को छोड़ दीजिए, मैं समझाता हूँ, इसको एक भाग में तोड़ दीजिए, इसको एक भाग में तोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास दोनों के पास प्राइमरी की है, और चूंकि ये अलहदा ये अलग तो कहीं एक्सिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मेन जैसे पिताजी होते हैं, ये पिताजी स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, मेन प्राइमरी की है, तो इसके लिए आप स्टूडेंट आईडी नेम में करिए। हाँ, इसको जब तोड़ा ना आपने तो तोड़ दीजिए, लेकिन साथ में आप स्टूडेंट आईडी भी रख दीजिए, ठीक है। अब 2NF में कैसे लेंगे, जैसे आपके पास ये कंपोजिट प्राइमरी की, ये दोनों मिला के भी आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पार्शियल डिपेंडेंसी दूर करिए। पार्शियल डिपेंडेंसी किस तरीके से दूर होगी, ये कंपोजिट प्राइमरी की बन रहे हैं ना, ये दोनों मिला के आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप बस दोनों को ये एक लीजिए, यहाँ से लीजिए, दो थे ना, एक ये, तो ये इसको स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी वाला अलग कर दीजिए, ये और ये दोनों को एक साथ दे लीजिए। आप स्टूडेंट आईडी को नेम से मिला दीजिए और कोर्स आईडी को नेम से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को अलग अलग भाग में तोड़ दीजिए। और चूंकि कोर्स आईडी मैंने बताया था, कोर्स आईडी यूनिट्स ये अलग से नहीं रह सकती, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप स्टूडेंट आईडी का भी इससे होना चाहिए, वो हमने इसके। थर्ड एनएफ में आ जाइए, आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे होगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी तो एम्प्लॉय आईडी पे है, और डिपार्टमेंट नेम जो है वो डिपार्टमेंट आईडी पे है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी तो प्राइमरी की है ही, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को बनाना पड़ेगा, उसका तरीका देखिए। ये आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो इस पोर्शन को तो आप अलग कर दीजिए, ये वाला पोर्शन तो अलग कर दीजिए, ठीक, और डिपार्टमेंट आईडी को आप डिपार्टमेंट नेम से उसका अलग टेबल बना दीजिए। अब चूंकि इस ये डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी को पता कर लेगा, डिपार्टमेंट आईडी आपका डिपार्टमेंट नेम को पता कर लेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा 1NF से 3NF तक। ठीक है।